हनुमान जी और बलराम जी में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था। बल और शक्ति के देवता माने जाने वाले बलराम ने जरासंध को 17 बार हराया था। यही नहीं, इन्होंने भयंकर असुर वानर राक्षस श्वेता को एक ही वार से ध्वस्त कर दिया था। इस जीत के बाद बलराम को अपनी ताकत पर बहुत अभिमान आ गया था और यह बात श्री कृष्ण को समझ आ गई। तभी श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम का अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी को द्वारका की एक सुंदर वाटिका में भेजा, जो बलराम को बहुत प्रिय थी। इस विराट वानर को फल खाते देख द्वारपाल तुरंत बलराम के पास गए। यह सुनकर बलराम क्रोधित होकर वाटिका पहुँचे तो देखा ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि मायावी है। परिचय पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी बलराम और उस वानर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बलराम जी के सारे वार विफल हो गए और वे सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करने लगे। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बताया कि यह वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान है। यह सुनकर बलराम को अपना पूर्व जन्म याद आ गया, जब हनुमान जी ने ही संजीवनी जड़ी बूटी लाकर उन्हें यानी लक्ष्मण को मृत्यु से बचाया था। तभी बलराम ने हनुमान को गले से लगाया और माफी मांगी।